आज पंचमी है। चौथ के दिन के प्रारंभ में ही प्रातःकाल श्री जी की अंतर्धान लीला हुई थी और आज के दिन से बीतक को लिखने का प्रारंभ किया था श्री लालदास जी ने। उसी उपलक्ष्य में हमारे सुंदर साथ के बीच में प्रतिवर्ष एक माह तक बीतक के श्रवण का विधान किया गया है। ये बीतक क्या है? कौल फैल हाल कथनी करनी और रहनी को ब्रह्म मुनियों ने कैसे आत्मसात किया, परम धाम से ज्ञान का अवतरण कैसे होता है, जागनी लीला में हर सुंदर साथ की क्या क्या भूमिका है, चाहे लालदास जी हों, भीम भाई हों, महाराजा छत्रसाल जी हों। दूसरा नकारात्मक पक्ष है बिहारी जी का, औरंगजेब का, इनके अंदर भी परमधाम की आत्मा है लेकिन तारतम ज्ञान का प्रकाश न पाने से दोनों ही भटक जाते हैं। ये हमारे लिए सिखाफन है कि यदि हम ज्ञान को आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारे अंदर भले ही परमधाम की आत्मा है तो क्या वो प्रेम की राह पर नहीं चल पाएगी और अपनी आत्मा को जागरूक नहीं कर पाएगी। जगाना अध्यात्म का मूल लक्ष्य है, उसी के केंद्र में ये पूरी बीतक की चर्चा आपको सुनने को मिलेगी। भविष्य पुराण में राजा कहे युग चार से लेकर यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ, यहाँ तक लगभग 4,500 चौपाइयों में एक महीने तक आपको चर्चा श्रवण का अवसर मिलेगा। ये बीतक हमें प्रेरित करती है कि हम उन पदचिन्हों पर चलें जिस पर सतगुरु धनिष्ठ देवचंद जी ने चलकर दिखाया है, श्री महामती जी ने चलकर दिखाया है, छत्रसाल जी ने अपना आचरण किया है और जिन जिन सुंदर साथ ने अपना घर द्वार छोड़ा, 5,000 की संख्या में पन्ना जी पहुँचे, सेवा करते करते अपना तन छोड़ा, चितवनी करते करते अपना तन छोड़ा। आज देखा जाए तो हमारा सुंदर साथ आपस में राग द्वेष घृणा का शिकार है। उस समय 5,000 की संख्या थी, किसी के पास व्यर्थ की बातों के लिए कोई समय नहीं था। दो दो समय चर्चा होती थी, दो दो समय चितवनी होती थी, सवेरे भी चितवनी, शाम को भी चितवनी। सवेरे भी 9 से 12 तक चर्चा, रात्रि को भी 9 से 12 चर्चा, प्रतिदिन लगभग 6 घंटे तक चर्चा होती है। सब दोनों समय ध्यान किया जाता है, सुंदर साथ एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहते हैं, सब घर द्वार छोड़ करके आए हैं। लेकिन आज हमारा सुंदर साथ 400 साल बीतने के बाद भी जागनी से कोसों दूर है। आप देख रहे हैं मंदिरों में क्या होता है, कहीं कहीं तो चर्चा की परंपरा भी समाप्त कर दी गई है, केवल वीडियो के कैसेट चल रहे हैं। आखिर क्या होगा? जब समाज में ज्ञान का प्रवाह रहता है तो समाज जीवंत रहता है, ज्ञान का प्रवाह अवरुद्ध कर देंगे तो समाज नष्ट हो जाएगा। ये बात सबको समझनी चाहिए और ये बीतक की चर्चा की परंपरा ही है जिसने हमारे समाज को जीवंत बनाए रखा है। अन्यथा एक ऐसा समय था जब वाणी सुंदर साथ को छूने तो क्या देखने को भी मुश्किल से मिलती थी। आज से 100 वर्ष पहले कोई विशिष्ट व्यक्ति ही वाणी के पन्ने पलट सकता था, सामान्य सुंदर साथ को पलटने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन उस समय बीतक ने सबको राज्य प्यार अटूट विश्वास दिलाए रखा। बीतक ने सबको बताया कि तुम परमधाम से आए हो, तुम्हें क्या करना है, और गांव गली में जहां कोई विद्वान नहीं पहुंचता वहां सुंदर साथ बीतक का श्रवण करके ही राज्य पर अपनी अटूट आस्था बनाए रखता है। ये बीतक क्या है? हमारे लिए शिक्षा का एक घटनाक्रम है जिसमें हम प्रेरणा ले सकते हैं महाराजा छत्रसाल जी से, भीम भाई से, लालदास जी से। सतगुरु धनिष्ठ देवचंद जी 16 साल की अवस्था में कैसे बारात के पीछे निकल पड़ते हैं, कैसे कैसे कष्ट झेलते हैं राज्य को पाने के लिए, ये सुनकर हमारे अंदर भी तो प्रेरणा होनी चाहिए कि हम भी कुछ करें। अब देखिए समाज में कहीं नाच कूद होता है, भंडारे होते हैं, हजारों की संख्या इकट्ठी हो जाती है, सरसवा से जो प्रसारण होगा उसको सुंदर साथ तो सुनेगा
लेकिन ये इस प्रसारण की प्रक्रिया ने ये किया है कि सुंदर सा सोते हैं कि सरसवा जाकर क्या होगा, घर बैठे सुन लो। अच्छी बात है, घर बैठे सुन तो रहे हैं, लेकिन यदि सुनने वाले ज्ञानपीठ में ही संख्या कम हो जाएगी तो क्या होगा। इसलिए आप सब सुंदर साथ को, अड़ोस पड़ोस को, सबको प्रेरित कीजिए, प्रतिदिन आए, चर्चा का श्रवण करें, अपने हृदय के अंधकार को मिटाएं, क्योंकि रात्रि का अंधकार तो कुछ नहीं होता, हृदय में जो अज्ञानता का अंधकार होता है वह अंधकार हमारे जीव को 84 लाख योनियों में भटकाता है, माया के दुखों में भटकाता है। जीवन का सर ऊपर लक्ष्य होना चाहिए, अंधकार से परे होकर हम अपने स्वरूप को जानें, हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं। शरीर और संसार को जानने के छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, उस समय को याद कीजिए। वाणी का अवतरण किन परिस्थितियों में हुआ, 6 महीने तक विरह में तड़पे महामति जी, तब परम धाम की वाणी का अवतरण शुरू होता है। उस ब्रह्मवाणी का प्रकाश हमें संसार में करना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कर पाए। ये सारी घटनाएं आपको सुनने को मिलेगी, कैसे सुंदर साथ भिक्षा मांग मांग कर लाते हैं, और एक दो महीने नहीं, पूरे 9 महीने तक मंदसौर में श्री जी भिक्षा में मिले हुए अन्न को ग्रहण करते हैं, और सुंदर साथ धूप नहीं देखता, वर्षा का कष्ट नहीं देखता, शीत का कष्ट नहीं देखता, पैदल चल रहा है। आज तो आप सेट के नीचे बैठे हैं, पंखे चल रहे हैं, आप सोचिए उस युग में कैसा रहता होगा, राज्य को पाने के लिए ब्राह्मणों ने कैसे कष्ट झेले। ये सारी चीज़ें हमें प्रेरणादायी हैं। आप तो वर्ष में एक बार सुनने को मिलता है, संभव है 1 महीने के बाद ही हम काफ़ी चीज़ें भूल जाया करते हैं। यदि विदक का प्रवाह बंद हो जाए तो हमें कौन प्रेरणा देगा कि हमें क्या करना है। वाणी के ज्ञान को तो आप ग्रहण कर लेंगे वाणी पढ़कर, लेकिन यदि विदक नहीं पढ़ेंगे, विदक नहीं समझेंगे, तो उस ज्ञान को आचरण में कैसे लेना है ये नहीं सीख पाएंगे। इसलिए वाणी हमें कौल ज्ञान को ग्रहण करने की शिक्षा देती है, विदक उस ज्ञान को आचरण में लाने की शिक्षा देती है। और किस तरह से पन्ना जी में बैठकर सब सुंदर साथ ने परम धाम को देखा, तो ये हमें रहनी में भी उतारती है कि हम यदि ब्रह्मात्मा हैं तो हमें अपने कैसे आचरण को परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के अनुरूप ढालना है। ये सारी शिक्षा आपको बीतक से मिलेगी। आप बीतक को कुल घटनाएं मत समझिए कि ये हुआ ये हुआ, ये होता तो है, लेकिन हमें क्या ग्रहण करना है इसकी शिक्षा बीतक से मिलेगी। और मैं आशा करूँगा कि कल आप अधिक से अधिक सुंदर साथ को प्रेरित करके ले आएंगे।